बाल अपचारियों के जीवन में एक रोशनी की नई किरण नजर आई है। बाल संप्रेक्षण गृह में बाल अपचारी शिक्षा ले रहे हैं, जिससे सजा पूरी होने के बाद वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। शहर के हसनखां मेवात नगर में राजकीय संप्रेक्षण गृह में 18 वर्ष से कम उम्र के बाल अपचारी को रखा जाता है। 18 की उम्र के बाद उनको जयपुर शिफ्ट कर दिया जाता है। सजा पूरी होने के बाद अभी तक बाल अपचारी अपराध के रास्ते को चुनते थे तो कुछ जीवन की राह में भटक जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अलवर के बाल संरक्षण गृह में बाल अपचारी अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक संजय वर्मा ने बताया कि विधि से संघर्षरत बालक यहां शिक्षा ले रहे हैं। 8वीं, 10वीं, 12वीं आदि की परीक्षा दे रहे हैं। कुछ बालक आईटीआई में हुनर सीख रहे हैं। इसके अलावा पोस्टर लेखन, पेंटिंग व अन्य प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतकर प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे बालकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता है। बालकों के लिए ओपन जिम, पीटी व खेलकूद की भी व्यवस्था की गई है। इससे बालक स्वस्थ रह सकेंगे और डिप्रेशन सहित मानसिक तनाव से भी दूर रहेंगे। हमारे यहाँ विधि से संघर्षरत बच्चों को रखा जाता है और उनके वो समाज की मुख्य धारा से वापस जुड़ सके, इसके लिए भरपूर प्रयास किए जाते हैं। जैसे उन्हें शिक्षा के माध्यम से जोड़ना, अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं कराना, निबंध लेखन, चित्रकारी, पोस्टर प्रतियोगिताएं। इसके अलावा उनकी हेल्थ बराबर बनी रहे, इसके लिए ओपन जिम के माध्यम से उनको व्यायाम कराया जाता है। सुबह हमारे सुरक्षा गार्ड के माध्यम से उन्हें पर्याप्त समय के लिए पीटी व एक्सरसाइज कराई जाती है।